नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन कोंडल आज आपके लिए आयु संबंधी प्रश्नों को लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपके लिए भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। इसमें जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं वो तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन जिन बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आएगी उनको लॉन्ग बेस्ट मेथड से भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हल करने के तरीके। सबसे पहले दोस्तों एक प्रश्न है, इसे देखिए। दीपा और स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है और 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:5 है, तो दीपा और स्वाति कि वर्तमान आयु क्या है? एक बार प्रश्न को फिर से मैं चला देता हूं कैमरे के थ्रू। ये प्रश्न आप देख सकते हैं आराम से इस प्रश्न को। दीपा और स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो जैसे मैंने पहले ही लिख लिया है दीपा और स्वाति के आयु का अनुपात कितना दिया है हमारे पास 5:6। मैं ये थोड़ा दूर दूर करके लिख रहा हूँ, ये लिख लिया हमने। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है कि 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:6 वर्ष पहले पूछा है। पहले जैसे आपकी आयु आज 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले माइनस होगी उसमें, तो हमने ये पहले पूछी है तो ये माइनस 6 कर दिया। और ये जो इनकी आयु है 6 वर्ष पहले की, उसका अनुपात है 4:5। दोस्तों जब भी इन प्रश्नों को करते हैं हम, तो एक बात को ध्यान में रखते हैं कि इनमें हमें जो अंतर होता है उसको निकालना होता है। तो 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, 6 और 5 के बीच में 1 का अंतर है। अब हमारा जो अंतर है वो दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 बराबर है मेरा 6, जो हमने ये लिए होती तो 1 बराबर है मेरा 6 आया है, 1 बराबर 6 हो गया मेरा। अब देखिए 1 बराबर मेरा 6 है, तो दीपक की आयु जो है मेरी वो यहाँ पे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया बराबर है मेरा 30। और स्वाति की जो आयु है यहाँ पे ये 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो गया मेरा 30। तो दीपक की आयु है, दीपा की आयु बराबर है 6 × 5 = 36 × 5 = 30 और स्वाति की आयु है, स्वाति की आयु है बराबर 36, तो ये मेरा अंतर हो गया, आंसर हो गया। ये था मेरा मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों मेरा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, 5 वर्ष बाद का ये अनुपात 7:8 में बदल जाता है, तो ये और तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, सॉरी ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैं फिर से कैमरा घुमा रहा हूँ प्रश्न के ऊपर कि थोड़ी देर आप प्रश्न को समझ लें जी। अब ए और बी किसी का नाम भी हो सकता है, हमने ए और बी लेके नहीं चलना है, ए की जगह राम और श्याम की वर्तमान आयु भी हो सकती है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे ए और बी।
जैसे पहले नाम लिखा था पिछले क्वेश्चन में हमने दीपा और स्वाति का, अब हम ए और बी है लिखने के लिए ठीक रहता है, टाइम की बचत होती है। ए और बी की जगह आप राम और श्याम भी लिख सकते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, ए और बी जो वर्तमान रेशियो है मेरे प्रश्न में दी हुई है वो 6:7 है और हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद। पिछले प्रश्न में ध्यान रखना 5-6 वर्ष पहले था, इसमें 5 वर्ष बाद है, अगर बाद पूछा है तो हमारा ये प्लस होगा। और रेशियो क्या दी है मेरी 7:8। अब इसमें फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि इसमें अंतर कितना है 6 और 7 के बीच में अंतर कितना है 1, 7 और 8 के अंतर में कितना है 1, जो ये जो अंतर है मेरा बराबर आया है, तो 1 = 5 ये जो लिया है ये 5 वर्ष बाद 1 = 5, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 5 और 7 को 5 से, तो ये मेरा 35 हो गया और ये मेरा 30 हो गया। तो ए की आयु बराबर है 30 और बी की आयु बराबर है 35, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसमें पूछा कि ए और बी की वर्तमान आयु जो हमने अभी निकाल ली है। अगर इसमें भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फार्मूला एक ही है कि हमने जो है रेशियो लिखे इसका अंतर जो है निकालना होता है, अंतर हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आता तो फिर एक और मेथड है जो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है मतलब कि उनकी इस वर्तमान आयु क्या है। इसमें भी दो व्यक्तियों की आयु है तो उसमें भी हम ए और बी को लेकर चलेंगे। इसमें क्या अनुपात दिया हुआ है? ए और बी के आयु का अनुपात है मेरा 5:7 और 18 वर्ष पहले। जब भी बाद में हो तो प्लस और पहले हो तो माइनस, तो उसमें 18 वर्ष पहले है तो हमने माइनस ले लिया और ये जो रेशियो दी है मेरे अनुपाते 8:13। अब हमने फिर से इसमें डिफरेंस निकालना है, तो 5 और 8 का में जो अंतर है वो 3 है, 7 और 13 में जो अंतर है 6 है। अब ये अंतर पिछले दो क्वेश्चनों में अपने प्रश्न में ध्यान से देखना है, एक एक बराबर आया था लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया है, बराबर नहीं आया। तो इस जब ये चीज़ मेरी अंतर बराबर ना हो तो आए तो हम इसमें से ढूंढते हैं 5 और 7 में जो अंतर है, इसमें ध्यान से देखना जहाँ अपन 2 का अंतर है मेरा, तो मैंने 2 ले लिया। 8 और 13 के बीच में जो अंतर है वो मेरा 5 है, इसके बीच में ये जो पेन चलाया मैंने इसको ध्यान से देखना अपने। अब ये जो मेरा ऊपर आया है भैया इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से सभी से, और जो मेरा 5 है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ऊपर वाली टर्म से। अब सबसे पहले जो देखो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 5 इससे भी, तो ये 5 जा मेरा 5 5 = 25 और 5 7 = 35, 2 8 = 16, ये जो 2 है मेरा ये 2 ये इस 8 से भी करेगा और 13 से भी करेगा, तो आगे जो है इसके नीचे मैंने यहाँ पे 2 8 = 16 हो गया मेरा और 2 13 = 26 हो गया। ये इसलिए किया क्योंकि मैंने इसका अनुपात बराबर करना था जो अंतर था। अब इस अंतर को देखेंगे 16 और 9 = 25 होते हैं और 26 और 9 = 35 होते हैं। अब ये अंतर मेरा
नीचे वाला बराबर आ गया है, अंतर बराबर है 9 है मेरा, ये बराबर है 9 आया है। ये 9 आया है तो इसमें तो एक दोस्तों देखते हैं थोड़ा कुछ, हाँ ठीक दोस्तों, जैसे ये बराबर है मेरा 9 आया तो हम इसको बराबर कर देंगे 18, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है 9 बराबर है 18, ये बात को ध्यान से रखना। मैंने 9 बराबर 18 क्यों किया, वीडियो जब आप रिवर्स करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आई थी जो मैंने प्लस या माइनस की तो उसके बराबर किया है, तो ये इस तरफ आया तो 18 को जब 9 से डिवाइड किया, ये बराबर का चिन्ह है, जब इस तरफ जाता है तो डिवाइड हो गए तो ये बराबर है मेरा 2 आया, तो एक बराबर है 2 क्योंकि यहाँ पे एक रह गया था, जब भी ये टर्म इस तरफ आती है तो एक बराबर है, अब एक बराबर है मेरा 2 आया है, तो अब हम जो मेरी नई इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये मेरा 50 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये मेरा 70 हो गया। अब इस प्रश्न को देखना ध्यान से, ये मेरा ए और बी था और ये भी मेरा ए और बी आया है, फिर से वीडियो ध्यान से कर रहा हूँ, जब ए और बी था मेरी इक्वेशन बराबर नहीं बनी थी, तो मैंने ये जो पेन घुमा के आपको बताया था इससे मैंने नई इक्वेशन क्रिएट करी थी, जब मेरी नई इक्वेशन ये बनी है तो मैंने ये जो फार्मूला था इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब ए की आयु मेरी आ गई है 50, ए की आयु बराबर है 50 और बी की आयु बराबर है 70, तो ये मेरा आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु की चौगुनी है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की 9 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक बार फिर से ये प्रश्न के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, एक बात हमने हमेशा ध्यान रखनी है कि पुत्र हमेशा छोटा होता है और पिता हमेशा बड़ा होता है, अगर पुत्र की आयु 1 मान के चलें तो प्रश्न के अनुसार चौगुनी दी है तो पिता 4 गुना, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, हमने शॉर्ट में ले लिया है फादर और सन, सन अगर 1 है, पिता पुत्र जो हमेशा छोटा होगा उसकी आयु हम 1 मान के चलते हैं, तो प्रश्न के अनुसार पुत्र की आयु की चौगुनी है किसकी, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की चौगुनी है, तो अगर सन जो है वो 1 है, यहाँ पे एफ जो है वो फादर है और एस जो वो सन है, आप हिंदी में पिता और पुत्र भी लिख सकते हैं, अगर 1 है तो फादर जो हो गए मेरे चौगुनी है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ही चौगुनी है 4 गुना, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया 4 और 1 की स्टेटमेंट आ गई आपकी। अब इसमें देखते हैं दोस्तों ध्यान से कि 5 वर्ष पहले, तो माइनस 5 कर दिया, 5 वर्ष पहले तो माइनस 5 और कितनी थी हमारी ये 9 गुनी थी, पिता की उम्र पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो पुत्र की आयु तो 1 ही है पर 5 वर्ष बाद प्रश्न में ही दिया है कि पुत्र की 9 गुनी थी। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस, 9
और चार, इसमें जो देखिए आप कितना अंतर है, पाँच का और एक और एक में जो अंतर है बुजुर्ग, तो ये भी जो हमने ला पहले स्टार्टिंग में दो प्रश्न की उसके अनुसार अंतर नहीं आ रहा, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम इस प्रिय के अनुसार काम करते हैं, इन दोनों में से ये डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हमने रेशो अनुपात बराबर करना होता है। तो यहाँ पे तीन का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे आठ का डिफरेंस आ रहा है मेरा। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा तीन है इसको नीचे वाली इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नाइन से भी और वन से भी। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई तीन कर दिया और ऊपर मैंने मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन मेरी चेंज होकर आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो फोर वन जा फोर। अब देखो ये एट है, एट को फोर से अप्लाई किया तो मेरा 32 आ गया और एट वन जा एट। इस चीज़ को ध्यान से देखना। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है मेरी, थ्री नाइन जा 27 और थ्री वन जा थ्री, ये चीज़। अब आपने फिर से इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें जो अंतर है बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा, 27 और 32 के बीच में जो अंतर है वो आपस में पाँच का है, और आठ और तीन का जो अंतर है वो भी पाँच का है। ये अंतर जो आ गया मेरा ये पाँच। अब तो ये एक बराबर है, पाँच हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे इसमें, या तो आंसर आप ऊपर वाली टर्म में से निकालते हैं, देखो मेरा पेन जहाँ पे घूम रहा है इस वाली टर्म में से निकालते हैं अगर आप इसमें से, तो आपको प्लस करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एक से, और नीचे वाले से निकालते हैं आपको तो प्लस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 32 मल्टीप्लाई वन करेंगे, वन बराबर है फाइव, 32 को वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 32 आएगा, और एट को वन से करूँगा मैं तो एट आएगा, और यहाँ पे 50 इस वाले टर्म से करूँगा तो इसमें मुझे पाँच प्लस करने पड़ेंगे और इसमें मुझे पाँच प्लस करने पड़े। ये आप दोनों ही तरीके से ही कर सकते हैं। तो ये पिता की आयु जो थी इस वक्त आपकी आई है, पिता की आयु बराबर है 32, ये वर्तमान आयु है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है 8 वर्ष आपने जरूर लगानी है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर कहीं भी कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ़ करें, मैं भी मैथ का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। ये प्रक्रिया मेरे उन बच्चों के लिए या दोस्तों के लिए है जो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत।